आजादी के 75वें माह उत्सव के मौके अज कांग्रेस कमेटी वालों शहीदों की समाध आसफवाला तो लैके बाजारा चो होंदे हुए चौंक घंटा घर तक तिरंगा यात्रा कढ़ी गई। यह तिरंगा यात्रा साबका विधायक फाजिलका दविंदर सिंह घुबाया और साबका सांसद फिरोजपुर सरदार शेर सिंह घुबाया की रहनुमाई हेठ कढ़ी गई। इस तिरंगा यात्रा में पंजाब के साबका चेयरमैन सुखवंत सिंह बराड़ और नगर कौंसल के मौजूदा प्रधान सुरेंद्र सचदेवा, गोल्डी चाम, राधे श्याम कश्यप, श्याम लाल गांधी, महावीर प्रसाद, बाबू लाल MC ते राजेश ग्रोवर विशेष तौर पर पुजे। उत्थे उन्होंने बोलते हुए कहा कि भारत देश अज 75वीं आजादी का माह उत्सव मना रहा है। उत्थे ही देश विरोधी ताकत देश के लोगों घूमण घेरे विच पा के राज कर रही हैं और तिरंगे नूं वेच रही हैं, जो एक शर्मनाक घटना है। तिरंगे की सेवा, तिरंगे का मान, तिरंगे का आदर, तिरंगे का सत्कार हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है, करती है, करती रहेगी। कांग्रेस पार्टी तो वह तिरंगे का मान, आदर, सत्कार होर कोई पार्टी नहीं कर सकती। बाकी पार्टियां आपदे स्वार्थ लिए तिरंगे वरतदियां हन, जबकि कांग्रेस देश सेवा लिए, देश हितां लिए तिरंगे अगे सिर नवाउंदी है। इत्थे बोलते हुए साबका सांसद शेर सिंह घुबाया ने कहा भी अकाली दल सुखबीर सिंह बादल की रहनुमाई हेठ खाली दल हो चुका है, भाजपा का जादू भी खत्म हो गया है। लोग अवेयर हो गए हैं, इसलिए लोग आने वाले चोणों में भाजपा, अकाली दल ते आम आदमी को मुँह तोड़ जवाब देंगे। इत्थे बोलते उन्हें होर की कुछ गया, ये सब कुछ जानने लिए साडे नाल चल पड़े। जीएमएल साहब अज कड़े संबंधित कढ़िया गया जी तिरंगा यात्रा देश के जोड़ा तिरंगा मार्च कर रहे हैं और अच्छ फाजिलका हल्के भी आसफवाला तो लैके घंटा घर तक अभी जो तिरंगा मार्च किया और बड़ी वही गिनती के मैं समझा कि लोग घरों बाहर निकल के आया और इस तिरंगे मार्च हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों भी ऐलान किया गया घर घर झंडा लहराने की, राष्ट्रीय झंडा लहराने उसमें किस तरह देखो ये ड्रामेबाजी स्टंटबाजी जी BJP की सरकार या मोदी करता है। तुम हर छत पर झंडा लाओ कि लोगों तिरंगे प्रति प्यार हो, लोगों के दिलों के पहले ही तिरंगा वसदा है और कदे लोग तिरंगे को भुला नहीं सकते। हर साल जरा मैं समझा 15 अगस्त में आजादी दिवस मनाते हैं, तो बस लोगों कि लोगों की सोच महंगाई वाल ना जाए, लोगों की सोच जी है कि उन्होंने गलत नीतियों वाल ना जाए और लोगों की सोच योजे कमां पासे ला दें। और इस करके साडे वालों मार्च कढ़िया जा रहा कि लोग उन्हों तो जोड़े अच्छे दिन कहते अच्छे दिन आ गए वह हिसाब लैन कि अच्छे दिन कितने पंजाब की मौजूदा सरकार के कामकाज को किस तरह देख दो, किस नजरिए हिसाब नी आप ही पत्रकार हो, तुम सारा कुछ जानते हो। 5-6 महीने जिन्नी देर होगी सरकार बनी है, हर लोग जिन्हों मर्जी जाके दूजे तीजे बंद पूछ लो, तराई तराई मची भी है ना, कोई किसी का मजदूर का काम चल रहा है, ना मिस्त्री का चल रहा है, ना किसी को वित्ता मिल रहा है, ना किसी को कोई होर जिन्हें भी सहूलत उन्होंने वादे की कोई नहीं मिल रहा। और माड़ा हाल मैं समझा कि पंजाब का इन्होंने अंबानी अडानी पूरा देश जरा बेच गया और मैं सानू तो खदशा है कि जेकर असी इकट्ठे नहीं हो फिर जरा अंबानी अडानी का पूरे भारत से कब्जा हो जाएगा। सारियां जिले पिछे ईस्ट इंडिया कंपनी आजादी को पहला साढ़े देश महाराज बाद आई उन्हें इतने बिजनेस शुरू किया तो भारत उत्ते कब्जा करके किन्ने साल सानू उन्होंने संताप भोगना पे कुरबानियां दे के देश आजाद कर आ हूँ फिर जरा ये सिस्टम बना बंक है। ये सिर्फ अंबानी के अडानी को फायदे दिए जा रहे हैं, सारी स्टॉक जी है उन्होंने कोल है, स्टॉक किया है और जो मर्जी रेट तो बेचे, इस करके इन्हों तो बचने की लड़ है। बचने वास्ते सिर्फ कांग्रेस पार्टी एक योजी पार्टी है जी BJP का मुकाबला कर सकती है, बाकी पार्टियां पूरा इन्होंने अपने घेरे में गले में ले लिया। पंजाब देख लो किस तरह के अकाली दल और कांग्रेस के जेड़े कांग्रेस को खा खा के इन्ना लंबा समा तेते कुछ तो उन्होंने कांग्रेस के नाम माने अब BJP जो उन्होंने ED की वरतों करके विजिलेंस की वरतों करके देश को बर्बाद कर, ये सब तकड़े होने की लड़ है।
कांग्रेस जी अब शहीदों समर्पित है उन्होंने श्रद्धांजलि दे के असी झंडा मार्च किया। इस बाद आने वाले 15 तारीख तो बाद भी असं इस तरह प्रोग्राम जारी रखेंगे घर घर महल महल अब आप जी असं जाके सारा कांग्रेस का प्रोग्राम पहुँचावे ना। जरा स्टेट गौरमेंट के देखो तुम कि हालात ने कि स्टेट गौरमेंट 4 महीनों के एक गौरमेंट में फेल हो जाना सब तो माड़ी जी मैं समझा कि जो तो आज़ादी हुई है सब तो माड़ी जी सरकार है इस बार आई क्योंकि इन्हें भी केजरीवाल से राहुल चड्ढा सरकार के 18 महकमे तो आप ही जाके सैन करके दिया कहता जी तुम संभाल लो तो साढ़े को बिल्कुल इन्हों को तजर्बेकार बंदा ही है नहीं कोई सरकार चुना है ही नहीं आज सिर्फ जरूर 2 अफसर इन्हें फड़ के अंदर दे के वो वाहवा खटन वास्ते कि मैं बड़े करप्शन जी है वो रोक रहे आदि करप्शन की है इतने असं डिवेलपमेंट करने वास्ते हरेक मुख्यमंत्री हरेक जो लीडर चाहता है मेरे इलाके की डिवेलपमेंट होगी और इन्हें गलत काम किया डिवेलपमेंट रोकने वास्ते अज पूरे पंजाब राजमिस्त्री खड़े बैठे मजदूर खड़े बैठे सीमेंट दूजिया दुकाना वो सारिया बंद हो रही क्योंकि जो सरकार सी रेता उदो 35-35-30 रुपए फुट जरा क्वांटल मिलता से अच्छ उ रेता जरा 200 तो बाद मिलता करप्शन तो तुम आप करा रहे हो भगवंत जी जरा 170 रुपए क्वांटल रेता भी तो कमाई कर रहे कितने जाएगा थोड़ा साफ साफ देना पड़ेगा जनता का खून निचोड़ के कदे कोई सरकार जी चंकी वाहवा नहीं कर सकती अच्छ जनता पूरी दुखी है इस करके इसने जी सहु चक के भगत सिंह की तरबन सिर पर बन के सहु चकी थी कि मैं भगत सिंह वर्गा बन के उसके वर्ग जो उन्होंने इच्छावं से उन्होंने चलागा एक भी उदाहरण दे रहे हो कि एक भी काम किया तरबन की सब हद तक है कि नाम लैके बने इस करके अब सू है कभी शहीदा ने जिन्होंने साढ़े वास्ते कुरबानी पूरा देश आजाद कराया काले पानी उन्होंने सू जरा सत्कार देना चाहिए ना क्या जे लटेरे लीडर बैठे है ना कि इन्हों सत्कार देने की लड़ है सू शहीदा को समर्पित होना चाहिए साढ़े बच्चों उस काबल बना चाहिए कि जिस तरह उन्होंने कुरबानियां की साढ़े बच्चों के लिए शहीदों का स्पिरिट आए कि असी जो कितने लड़ पवे देश में असं कुरबानी अकाली दल ने जो पहला अकाली दल से बादल साहब से प्रधान होंगे थे उदो अकाली दल लोगों की सोच लोगों की इज्जत होंगी अब जो तो सुखबीर बादल आया इन्हें तो अकाली दल करता कला इको प्रधान है पहला अकाली दल तो सारे लोग भज गए मैं तो 3 साल पहला ये फैसला दिता सी कि जे अकाली दल का प्रधान सुखबीर सिंह बादल रहेगा तो शेर से कवाया कद भी अकाली दल तो इलैक्शन नहीं लड़ेगा और मैं उसने पहरा दिता है वो छड़ के दूसरी पार्टी इलैक्शन लड़ा करके यदि सोच जरा सारा अकाली दल खत्म करने वाला जरा वो सुखबीर सिंह बादल परिवार मजीठिया परिवार ये सारे रल के अकाली दल खत्म किंतु परंतु तीन साल पहले कहता सर पता नहीं उन्होंने कोई लालच होना है क्यों बैठे रहे उन्होंने उसको बाहर आ जाने चाहिए हूँ उन्होंने सही पता लगे ना कि प्रधान सारा नहीं बन गया बिल्कुल सही है जे अकाली दल पंजाब के लीडर की सोच रहे बचा है तो फिर सुखबीर बादल अकाली दल के प्रधान कांग्रेस आला कमान दे दिशा निर्देश के मुताबिक अज सरदार दविंदर सिंह कपैह जी की रहनमई के विधानसभा हलका फाजिलका की कांग्रेस जी है वो आसा फारा शहीदा की समा शहीदा नमन करन तो बाद दीपक जलाने तो बाद यात्रा जी है तिरंगा पद यात्रा जी घंटा घर तक पहुँची है और मैं ये बहुत खुशी है मैं इस गल की कि 7 बजे का टाइम दिता सी और 6:30 बजे वर्कर उत्थे पहुँचने शुरू हो गए थे इसका मतलब ये निकलता है कि तिरंगा जिहड़ा है वो कांग्रेस की जान है तिरंगे का जिहड़ा सम्मान है वो कांग्रेस तो बाद ना तो कोई जानता है ना कदे किसी ने किया है क्योंकि कांग्रेस का जिहड़ा इतिहास है वो कुरबानिया का भरिया है कांग्रेस किसी विशेष संगठन तिरंगा किसी विशेष संगठन या विशेष पार्टी की धरोहर नहीं है ये अज एक मैसेज देना साढ़े वास्ते जनता ने जरूरी सी कि शहीदां जिन्होंने साढ़े वास्ते कुरबानियां दित्तियां अगर असं उन्होंने भुल जावे तो कोई भी परिवार कोई भी पार्टी कोई भी समुदाय वो जिहड़ा है वो अगे नहीं बस ABN न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि ABN न्यूज़ चैनल पर ऐसी ही लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।